जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई जर्नी में। और आज हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं आप सबकी फेवरेट वंदे भारत एक्सप्रेस में, क्योंकि इसके कमेंट इतने ज़्यादा आ रहे थे कि मुझे इसके लिए आना ही पड़ा। तो मैं आज कहूँ जबलपुर, मुंबई जबलपुर गरीब रथ से। इसने मुझे 5:15 यहाँ पर समय से पहुँचा दिया और 6 बजे है अपनी वंदे भारत, जो कि रानी कमलापति यानी भोपाल के लिए निकलती है। और ये ट्रेन 4.5 घंटे में इस सफ़र को तय करने वाली है। इस जर्नी के लिए मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ। चलिए पहले यहाँ चलते हैं और देखते हैं वंदे भारत कौन से प्लेटफॉर्म से जाने वाली है। आज अपनी खूबसूरत सी गरीब रथ एक्सप्रेस खड़ी है, उसके बगल में आप देख सकते हो आधुनिक वंदे भारत एक्सप्रेस खड़ी है, जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 से जाएगी। और जबलपुर की सुबह की तो मैं क्या ही तारीफ करूँ, जितनी बार आए हो ना बहुत ही खूबसूरती से लालिमा देखने को मिली है। चलते हैं जल्दी से ट्रेन बोर्ड करते हैं। तो यहाँ देख लो अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस खड़ी हुई है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। और जबलपुर में नमा का जो लाउंज मिल जाता है आपको, ये काफ़ी सस्ता होता है, 10 रुपये पर आर के हिसाब से। खाने पीने से लेकर बैठने की सभी AC सुविधाएं आपको मिल जाती हैं। तो यहाँ पे आप हमारे पीछे देख सकते हो आधुनिक भारत की आधुनिक वंदे भारत एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 से खैर जाएगी। बाकी इसके AC चेयर कार का किराया मैं आप लोगों को बता दूँ 960 रुपये पड़ता है, यानी 960 रुपीज़ पड़ेंगे आपको अगर आप लोग जबलपुर से भोपाल जाना चाहते हो मात्र 4.5 घंटे में। इसके जस्ट आगे आगे जन शताब्दी भी खुलती है, पर इस ट्रेन की खास बात यह है कि उसको ओवरटेक करके उससे पहले वहाँ पे पहुँचती है। इससे पहले जन शताब्दी सूट की फास्टेस्ट ट्रेन हुआ करती थी और वो काफ़ी भर के जाती थी, लेकिन जब से वंदे भारत खुली है सारा लोड वंदे भारत के ऊपर आ चुका है। तो यहाँ सुबह के 6 बजे अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस बिल्कुल चलने के लिए अब तैयार है। राइट टाइम हॉकिंग हो चुकी है, ऑटोमेटिक डोर वाली गाड़ी है, ये देखो ऑटोमेटिक डोर भी यहाँ बंद होते हुए। एक चीज़ मैंने देखी वंदे भारत में, दरवाजे बंद होने के बाद अनाउंसमेंट शुरू होती है यहाँ पे, ये लॉजिक मुझे समझ नहीं आया, दरवाजे बंद हो रहे हैं क्या, हो चुके होते हैं तब तक। अभी नई नवेली ये वंदे भारत चली है तो काफ़ी साफ सुथरी लग रही है। बाकी इसके फीचर्स अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये तो टॉकबैक वाला तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, जिससे आप लोगों पायलट सर से बात कर सकते हो। लेकिन फर्स्ट एड किट देखो यहाँ पे एंट्री पे दी गई है और क्या क्या है आप यहाँ से देख सकते हो, इमरजेंसी में बहुत काम आएगी। और हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा कि एक वंदे भारत के बैटरी बॉक्स में आग लग गई थी, तो फायर एक्सटिंग्विशर भी आप देख लो एकदम सामने रहता है ताकि ईजिली एक्सेसिबल रहे। बाकी CCTV कैमराज की निगरानी में वंदे भारत काफ़ी कमाल की ट्रेन है। यहाँ पर खाने पीने का पूरा सिस्टम होता है, हॉट बॉयलर और यहाँ पे डीप फ्रीज़र से लेकर सभी चीज़ होती हैं, आपका खाना गर्म ठंडा यहीं किया जाता है। अभी इस कोच में ज़्यादा पैसेंजर्स नहीं है इसलिए सारा खाना पीना उस कोच से आ रहा है। चलिए इस बटन को प्रेस करेंगे तो डोर जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे खुलेंगे। कुछ ऐसा इंटीरियर आपको यहाँ वंदे भारत एक्सप्रेस में देखने को मिलेगा। खाना पीना खाने के लिए इस वाले सेक्शन में आपको कुछ ऐसी फोल्डेबल ट्रे देखने को मिलेंगी और बाकी यहाँ वाले सेक्शन में आपको ऐसे फोल्ड करके खाना पीना खाना है। बाकी चार्जिंग सॉकेट की बात की जाए तो यहाँ दीवार पे ना दे करके हर सीट के नीचे दिए गए हैं, देखो ऐसे चार्जिंग सॉकेट दिए गए हैं, यहाँ किसी भैया ने अपने चार्जिंग में लगा भी रखा है। और हर कोच पे आपको यहाँ पे डिस्प्ले मिल जाता है, यहाँ पे ट्रेन की रफ्तार, आने वाला स्टेशन और बाकी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले कर दी जाती हैं। बाकी यहाँ पे चंदा फोर्ट इंटरसिटी के रेक्स जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। जबलपुर से बहुत सारे इंपॉर्टेंट रूट्स जाते हैं, जैसे चित्रकूट की ओर आप बढ़ सकते हो यहाँ से मैहर वगैरह के लिए, प्रयागराज वाली लाइन पे जो कि आगे बनारस हावड़ा इन सभी रूट्स के लिए जाती है। बाकी यहाँ से आप सागर दमोह के लिए भी निकल सकते हो और चंदा फोर्ट वाला जो रूट है ना वो गोंदिया वाली लाइन एक्चुअली नैनपुर बालाघाट होते हुए रूट निकलता है। बाकी यहाँ दिन की शुरुआत होते ही वंदे भारत 110 की रफ्तार में चल रही है। यही चीज़ जब हम लोग घाट पार कर लेंगे बुधनी के बाद तो आपको ये ट्रेन 130 की रफ्तार में चलते हुए दिखेगी। आज मानसून का समय तो हर जगह आपको हरियाली तो देखने को मिलेगी।
अलग ही एहसास है। अगर ऐसे में कोई ट्रेन की क्रॉसिंग यहाँ पे हो जाती ना तो और मज़ा आता, पर खैर आज लगता है थोड़ी किस्मत कमज़ोर है। अपनी गाड़ी अभी श्रीधाम से निकल रही है, वैसे स्टॉप नहीं है यहाँ पे, पहले आप लोगों को बता दूँ, धीरे धीरे निकल रही है क्योंकि मेन लाइन पे गुड्स ट्रेन खड़ी हुई है। यहाँ अपनी चाय जो है मॉर्निंग टी आज की है, अपना फेवरेट बिस्किट है यहाँ पे, साथ में प्रीमिक्स वाली चाय जिसे घोल करके आप ऐसे चाय बना सकते हो। पाउडर बस होता है, सीधा गर्म पानी में डालो और चाय आपकी तैयार हो जाएगी। अच्छा सुबह की चाय आ गई, वरना नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी। हम लोग लगभग 4-5 दिन से ट्रैवल ही कर रहे हैं। अहमदाबाद से पहले गए मुंबई, मुंबई से पुणे, फिर पुणे से फिर मुंबई आए और उसके बाद ली जबलपुर गरीब रथ, फिर यहाँ उतरे। सोचा था कि नहीं जाएंगे क्योंकि गरीब रथ अक्सर लेट हो जाती है 1 घंटा, पर गाड़ी राइट टाइम आ गई, इसमें 360 सीट करंट में खाली थी, तो सोचा होटल करने से अच्छा है निकल ही जाते हैं, एक ब्लॉग बनी जाएगा आप लोग के लिए। इसका रिव्यू करके कोई फ़ायदा नहीं, ये सब प्रीमिक्स वाला आइटम है। जो ट्रेन का ब्रेकफास्ट होगा वो आपको दिखाऊंगा, बाकी ये मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद है। केटरिंग चार्ज हम लोगों ने इसमें ऑलमोस्ट 175 रुपीज़ पे किया है, उसके हिसाब से आप लोग देखिए, पानी की बॉटल 1 लीटर की, फ्री होगी सुबह की चाय, और ब्रेकफास्ट में देखते हैं क्या सर्व किया जाता है, और बाकी जो भी सर्विसेज हैं आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। यहाँ पे हमारा 2 ही मिनट का हॉल्ट है, 84 किलोमीटर की दूरी को तय करके आ चुके हैं। सिंहपुर को पहले गडरिया खेड़ा के नाम से जाना जाता था, और मैं आप लोगों को बता दूं 18वीं शताब्दी में यहाँ जाट सरदारों ने भगवान नरसिंह की मूर्ति स्थापित की, जिसके बाद इस जगह का नाम नरसिंहपुर पड़ गया। बाकी सोयाबीन और गन्ने की खेती के लिए मशहूर है, पूरे मध्य प्रदेश का मैक्सिमम सोया का प्रोडक्शन और शुगर केन का प्रोडक्शन यहीं पर होता है। सोयाबीन से तेल वगैरह बनाते हैं और गन्ने से गुड़ वगैरह से चीनी, सभी चीज़ें बनती हैं यहाँ पे। बाकी वंदे भारत को देखने के लिए पब्लिक के अंदर एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। 2 ही मिनट का हॉल्ट रहने वाला है, तो आप भी तुरंत अपनी सीट में पहुँच जाओ। अलार्म जो वंदे भारत में थोड़ा पहले से ही बजने लगता है, इस चीज़ को मैंने अभी नोटिस किया, ऑलमोस्ट 30 सेकंड का गैप होता है इस अलार्म के बजने में और इन डोर्स के बंद होने में। नरसिंहपुर में ऑलमोस्ट इस रूट की जो ट्रेन्स हैं उनको स्टॉप दिया गया है, जनशताब्दी के तो और भी बहुत सारे स्टॉपेजेस हैं, और मुझे लगता है इटारसी के पहले हम लोग उसे ओवरटेक कर भी देंगे। इधर पे स्पीड में लगे हुए हैं कैथा के फल, आप इसे कह सकते हो, कैथा के फल गणेश जी के काफ़ी प्रिय होते हैं, आप लोगों ने कभी इन्हें खाया है तो बताइएगा ज़रूर। इंग्लिश में से एलिफेंट एप्पल बोलते हैं। नेक्स्ट स्टेशन इज़ पिपरिया। क्या गजब की क्रॉसिंग थी, और साथ साथ आप ये देख लो यहाँ पे एक डिस्प्ले दिया हुआ है जहाँ पे आप आने वाले स्टेशन की जानकारी, स्टॉपेजेस वगैरह, डेट ऑफ जर्नी, टाइम सभी कुछ देख सकते हो, और अनाउंसमेंट जो है आपकी जर्नी को और भी प्रिसाइज बना देती है, हर चीज़ की आपको अपडेट अनाउंसमेंट से भी मिलती रहती है। पानी बहुत बरसा है इस रूट में, बहुत ही खूबसूरती देखने को मिल रही है। बाकी वॉशरूम आपको मैं दिखा देता हूँ वंदे भारत एक्सप्रेस का, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी मेरे को डांटने वाले हैं कि सत्य भाई खाना खाने के बाद वॉशरूम मत दिखा करो, तो काफ़ी पहले ही आप लोग देख लो, साफ सुथरा एकदम नीट एंड क्लीन है, कोई भी शिकायत आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी शिकायत के मौका,
बिल्कुल साफ सुथरी गाड़ी है, यहाँ पे हैंड ड्रायर भी है और यह सोप डिस्पेंसर है जहाँ से आप सोप ले सकते हैं। बस अभी हम लोग बढ़ रहे हैं गडरवारा की ओर और वहाँ पे जन शताब्दी लूप पे खड़ी है, हमारी ट्रेन उसे ओवरटेक करने वाली है, वंदे भारत ओवरटेक करने वाली है जन शताब्दी एक्सप्रेस। चलिए भाई एंजॉय करिए रोड। ये है जबलपुर रानी कमलापति जन शताब्दी एक्सप्रेस। इस रूट में नदियाँ जो है एकदम उफान पर हैं, बहुत खूबसूरत लग रहा है देखने में। वाओ, टू बैक खूबसूरत नदियाँ आ रही हैं, मौसम बाहर का बहुत अच्छा हो गया, एकदम बारिश वाला मौसम है और जन शताब्दी को हमने ओवरटेक कर लिया है। अब मन कह रहा है कि इटारसी तो हम जन शताब्दी से पहले पहुंचने वाले हैं, क्यों ना इसे डिवोट ही कर दिया जाए और उसमें चला जाए, क्योंकि बुधनी घाट जो है ना, अब वंदे भारत के बारे में एक चीज़ अच्छी है कि सेफ्टी है, डोर से लॉक हो जाते हैं, सब कुछ है, पर जब तक ताज़ी हवा ना मिले मानसून में तो यार मज़ा नहीं आता है। पैसे तो उसमें दिए हैं, थोड़ा सा बुरा लग रहा है, लेकिन जब आ ही गए हैं मानसून भी है तो सोच रहे हैं क्यों ना इन पैसों को थोड़ा और एक्स्ट्रा पैसे लगा के प्रॉपरली मानसून को एक्सप्लोर कर लिया जाए, हो सकता है इटारसी में हम लोग उतरें। वीडियो का एंड तक देखिएगा, मज़ा आने वाला है। अपनी ट्रेन यहाँ पिपरिया पहुँच के और ब्रेकफास्ट चलो आपको दिखा दें क्या क्या है इसमें। प्रॉपरली यहाँ पे ठेपले दो दिए गए हैं, साथ में उपमा है, सब्जी है, यहाँ पे एक दही है, चौकोपाई, सॉस, सैनिटाइजर, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे। काफ़ी छोटा सा रेलवे स्टेशन है पर ट्रेनों के यहाँ पे स्टॉप दिए गए हैं, क्योंकि देखो पर्वतीय स्थल पंचमढ़ी जाने के लिए यहाँ पे उतरिए, तो जिन लोगों को पंचमढ़ी घूमने जाना होता है वो पिपरिया ही एक्चुअली उतरते हैं ट्रेन से। अभी कोई बहुत ज़्यादा देर के लिए हॉल्ट नहीं होने वाला है, मात्र 2 मिनट का हॉल्ट रहने वाला है यहाँ पे। बाहर जाने का कोई फ़ायदा नहीं, यहाँ से सब साफ साफ दिख रहा है, मैंने सोचा आपको यहीं से दिखा देते हैं। सर जनहार का एक फूड कोर्ट भी है और यहाँ पे एक चीज़ मैंने देखी कि जबलपुर रेलवे स्टेशन में भी मसाला डोसे का काउंटर था, यहाँ भी है, मतलब यहाँ पे लगता है लोगों को साउथ इंडियन फूड का शौक भी है। ट्रेन का काफ़ी स्मूथ एक्सेलरेशन आपको देखने को मिलेगा, देखिए कम समय में तेज़ रफ्तार पकड़ लेती है हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस। दूसरी तरफ कोई तो ट्रेन आई है, रानी कमलापति अधरतल एक्सप्रेस, अधरताल, ये कहाँ पे है ये तो मैंने कभी सुना भी नहीं था, इंटरसिटी है ये कोई। ट्रेन का एक्सेलरेशन आप देखिए, निकलते निकलते पिपरियास कितना बढ़िया हो गया यार, पेड़ क्यों काट रहे हैं यहाँ पे, ये चीज़ समझ नहीं आती मेरे को। ऐसे ही मैंने दूधसागर के बाद कुलेम रेलवे स्टेशन में देखा था, बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन था, अचानक से वहाँ पर देखे सारे पेड़ वगैरह काट दिए, काफ़ी बुरा लगता है। बस वेट कर रहा हूँ कब भाई लोग आ जाएं, बाहर शॉट लेने गए थे, फिर उसके साथ ये ट्राई किया जाए ब्रेकफास्ट कैसा है। कि ट्रेन का खाना पीना तो आप देख लो यार, कुछ ऐसा है, थेपले मुझे बाकी काफ़ी ज़्यादा ड्राई लगे, सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी और उपमा भी काफ़ी स्वादिष्ट है, बस थेपले से एक शिकायत रही मुझे, बहुत ज़्यादा ही ड्राई है, कुछ तो इनका करना पड़ेगा। वैसे मैं बता दूंगा एक इन्फॉर्मेशन हम लोग को हमेशा शेयर करनी चाहिए, जो पैंट्री चार मैनेजर हैं उनसे अपडेट दे दी जाएगी इस चीज़ की। बाकी स्वाद अच्छा है, ये चीज़ मैं मानता हूँ कि टेबले का भी स्वाद अच्छा है, लेकिन बस थोड़ा सा ड्राई ड्राई सी फीलिंग आ रही है। आलू की सब्जी जो है इसके टेस्ट को एनहेंस कर, एकदम बूस्ट कर रही है, साथ में दही भी है। नज़ारे इतने बढ़िया चल रहे हैं तो खाना तो वैसे भी स्वादिष्ट लग रहा है। और हाँ, मैंने आपको गलती से रेट थोड़ा ज़्यादा बता दिया था, इसमें 142 रुपीज़ का कैटरिंग चार्ज लगा हुआ है, उस चीज़ को ध्यान रखिएगा, मैंने शायद 175 बता दिया, माफ़ करिएगा। जिसमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं साथ साथ मॉर्निंग टी और अभी एक कॉफ़ी और मिलेगी, अगर आप पीना चाहो तो आप पी सकते हो, और साथ में 1 लीटर पानी, ये सारी सुविधाएं आपको 142 रुपीज़ में मिल जाती हैं।
जो इसे बहुत ही वर्थ बनाता है। अच्छा, सूट में टनल वगैरह भी है, तो मैं पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा हूँ और अचानक से रूट बहुत ही खूबसूरत हो गया। देखिए छोटे छोटे पहाड़ वगैरह आ गए, वाओ। श्रेयान जैन भाई भी ट्रैवल कर रहे हैं, कैसा लगा खाना? भाई खाना बहुत बढ़िया, स्पेशली सब कुछ अच्छा लगा, मुझे आलू की सब्जी ज़्यादा पसंद है। स्पेशली आलू की सब्जी हम सबको अच्छी लगी, जिसने टेस्ट को एनहेंस कर दिया पूरे खाने का। मैं तो उपमा के साथ भी उसे लगा खाया आज, और दही दिया तो अच्छा लग रहा है, मतलब पेट को भी थोड़ा आराम है, सुकून है। आप टाइम देख लो, 8:40 हो रहा है और ट्रेन अपनी इटारसी जंक्शन बिफोर पहुँचने वाली है। बस जस्ट अभी हम लोगों ने अपना जो ब्रेकफास्ट है उसे फिनिश किया और लगेज लेकर के तैयार हो गए कि अब उतर जाएंगे इटारसी और आपको बुधनी घाट किसी और ट्रेन से यानी जन शताब्दी के किसी स्पेशल क्लास से दिखाने वाले हैं। ट्रेन के रुकने के बाद ही सावधानी, ये जो रूट आप देख रहे हो ना, यही है भोपाल वाला रूट। वंदे भारत भी यहाँ पे रिवर्स होकर के उस डायरेक्शन में बढ़ेगी। बाकी सामने से कोई ट्रेन आई थी जिसे यहाँ पे आउटर पे रोक दिया गया है। ये भोपाल लाइन से ही आ रही है गाड़ी, वहाँ पे आप हनुमान जी का मंदिर देख पा रहे होंगे, जिसके दर्शन मैं आपको हमेशा ही करवाता हूँ। यहाँ पे किसी गाड़ी से अपनी शायद क्रॉसिंग हो रही है, लोकोमोटिव एक्स्ट्रा रेडी है। अच्छा, यहाँ पे लोकोमोटिव रेडी है, खड़ा है यहाँ पे। ये लोकोमोटिव क्या क्लासिकल लगता है, एकदम ओल्ड राजधानी लिवरी वाला। यहाँ पे पुणे वीरांगना लक्ष्मीबाई स्पेशल ट्रेन के साथ वो ट्रेन बस निकल रही है इटारसी जंक्शन और हम लोग यहाँ एंट्री कर रहे हैं। इटारसी के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर अपना अराइवल हुआ। अच्छा, इटारसी के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर अपनी वंदे भारत जो है वो पहुंच चुकी है। बात किया जाए इस वंदे भारत के रिव्यू की, तो ब्रेकफास्ट इसमें काफी अच्छा सर्व हुआ और टाइम की बात की जाए तो इसे ट्रैवल टाइम काफी अच्छा दिया गया है। 4.5 घंटे काफ़ी सही समय है, अगर आपको जबलपुर से भोपाल जाना है बेस्ट ट्रेन रहेगी। खाना पीना भी बढ़िया है, 4 घंटे में आप नज़ारे देखते हैं। अगर आपका कुछ मूवी वगैरह देखने का मन है, 3 घंटे की मूवी देखो, थोड़ा सा टाइम पास करोगे, खाते पीते पहुंच जाओगे भोपाल। बढ़िया ट्रेन है, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है बिल्कुल। बाकी हम इसे कंपेयर करना चाहता था जनशताब्दी से, तो जनशताब्दी भी आने वाली पीछे, उसमें भी एक जर्नी होगी, एक जर्नी का रिव्यू हो जाएगा आपके लिए। दोस्तों पहले मैंने सोचा था कि आपको जनशताब्दी का भी रिव्यू सेम वीडियो में दिखाऊंगा, पर जनशताब्दी में कुछ खास बात थी जो मैं ज़रूर हाईलाइट करना चाहता था, इसलिए वो जर्नी अलग से आएगी और वंदे भारत की जर्नी यहीं पेंड होती है। गाड़ी काफ़ी बढ़िया है, आपके लिए रिकमेंडेड है अगर आप जबलपुर से भोपाल या भोपाल से जबलपुर ट्रैवल कर रहे हो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, मिलेंगे जल्दी इसके पार्ट 2 में जहाँ जनशताब्दी की यात्रा आपका इंतजार कर रही है। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे ही आपको मैं ऑल इंडिया ट्रैवल करवाता रहूँगा। मिलते हैं नई जर्नी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। यहाँ पे अपनी जनशताब्दी देखो 9:20 पर आ चुकी है। ये रहा इसका खूबसूरत सा विस्टाडोम कोच, विस्टाडोम में कोई है ही नहीं, 44 सीट का कोच है, 44 की 44 सीट खाली। बस 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 भाई क्या नदी, अरे बस बस बस, बस, बस।